जैसे मैं मूव हुई थी यहाँ पे 2 साल पहले, सो आई बीन टू फ्यू रियल एस्टेट्स बिफोर जॉइनिंग दिस वन, और सच में मैं भाग गई थी वहाँ से. मैंने कहा यार इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बट इट्स बिन ओवर वॉट ओवर 10 months नाउ हियर एंड इट्स बिन अ रोलर कोस्टर जर्नी एंड इट हैज़ बिन मोर अप्स देन डाउन्स. पहली दफ़ा जब मुझे पता चला कि मुझे कॉल आई जब, तो मुझे लगा कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है. मुझे थोड़ा डर भी था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे रियल एस्टेट में, वो टिपिकल जो रियल एस्टेट वाला काम होता है वो तो नहीं है ये. बट जब मैंने यहाँ विजिट किया तो आई केम अक्रॉस विद कि ये डाओ प्रॉप टेक है, दैट मीन्स कि प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी का बेसिकली मिक्सचर है. मेरे लिए डाओ अगर मैं किसी को एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरे लिए पहला लव जो मेरे दिमाग में आता है वो है ट्रांसपेरेंसी. इट्स वेरी नाइस दैट दिस कंपनी इज वेरी इनोवेटिव अबाउट प्रमोटिंग आइडियाज and evolving their employees, ke how the millennials should be looking at real estate in Pakistan. Dow opportunity de raha hai ki female bhi aur even ki 20s age mein bhi hum invest yahan pe kar sakte hain. Everybody is very passionate, energetic, committed to their jobs. Everyone is innovative, they're constantly bringing in new ideas, they're following through with their plans, and this kind of ownership you really don't find in lots of companies, especially in a startup. Decentralized तरीके से मूव कर सकता है, हर बंदा अपने अपने सजेशंस दे सकता है और उसके सजेशंस को देखा जाता है और माना जाता है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट डाओ. यहाँ पे मुझे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू जो है वो सीखने को मिलता है. यहाँ पे आपके जो आपके कोलीग्स हैं या आपकी मैनेजमेंट है वो आपको मतलब इनक्रेज करती है कि आप लर्न करें, ग्रो करें. सबसे पहले आके मैं सलाम करती हूँ सबको, फिर मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा सा गॉसिप होता है, फिर काम स्टार्ट करते हैं. आई लव कमिंग टू वर्क बिकॉज ऑफ माई कोवर्कर्स, बिकॉज इट्स द एनर्जी दैट ड्राइव्स मी बैक हियर. डाओ में जब भी मुझे स्पेयर टाइम मिलता है, जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हुआ या समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग चेस प्ले करते हैं, लूडो प्ले करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं अपने डिपार्टमेंट के साथ. आई एम एन एनिमल पर्सन, आई एम अ फिटनेस पर्सन, आई लव म्यूजिक, आई यूज्ड टू बी अ गिटारिस्ट, आई स्टिल एम, बट यू नो. फेवरेट मूवी इज फिलहाल इज फ्रैक्चर. आई एम मेड Pals for life, मतलब तो जिगर बन गए यहाँ पे.